बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2C जो है वो करने जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया था, और सारी जितनी भी हमारे पास टर्म थी वो मल्टीप्लिकेशन थी। आज हम डिवीजन के साथ जो है वो काम करने जा रहे हैं। अब डिवीजन में ये होगा कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर, वेरी नेक्स्ट नंबर डिवीजन का होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उसे उल्टा दिया जाएगा, उसकी स्टेट चेंज कर दी जाएगी। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 7/10/21। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 7/10, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर हम जब बात करते हैं तो वो बेसिकली उसका उलट होता है, ठीक है। तो वो नंबर जो है वो उल्टा दिया जाता है। अब यहाँ पे 20 है, 20 बेसिकली ये रैशनल नंबर कंप्लीट है, दैट इज 20/1। तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो दैट इज 1/21, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या कोई चीज डिवाइड की जा सकती है, उसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ, अब हमारे पास यहाँ पे है जी 7/1 and 7/3 = 21। अब और कोई नंबर यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 तो किसी को डिवाइड ही नहीं कर सकता, कर सकता है वैसे नंबर वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई आएगा, 1 × 1 = 1/10 × 3, दैट इज 30। ये हमारा नेक्स्ट है जी बी पार्ट, दैट इज 35/5/6। अब ये नंबर एज इट इज आएगा क्योंकि ये डिवीजन से पहले है, डिवीजन के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड है, मैंने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 6/5।